दे रखा है दही, दही दे रखा है दही। नहीं दही है ना इसमें, इसमें ककड़ी और लौकी जो भी है मैं आपको घर दिखाऊंगा। गाइस अभी हम रेडी रेडी हो चुके हैं, अब तैयार होते हैं घर के लिए। आज हमें घर जाना है और इतनी तेज बारिश लग रही है फिर भी घर है। आप इसको क्या बोलते हैं गाइस, कमेंट में बताना मुझे। ये हो रखा है मस्त करके, देखो क्या मस्त लग रहा है ना। देखो बैठेगी गाड़ी में मस्त करके और चलते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं, चलो। और और देखो ऊपर साइड से बरसात आ रही है मस्त करके, उस साइड को पूरी बरसात लगी। देखो और इस साइड को देखो पूरा कैसा हो रखा है, और इस साइड को सूखा टाइप का, इस टाइप को देखो बारिश हो रखी है उस साइड को, और उस साइड को पूरा कोहरा हो रखा है। और सामने देखो क्या मस्त, और उस सामने वादियों में देखो अलग, हर जगह अलग अलग मौसम हो रखा है, देख सकते हैं आप। कहीं बारिश आ रही है, कहीं कुछ देख सकते हैं यहाँ से क्या सुंदर व्यू दिख रहा है गाइस। देखो रेडी हो चुके हैं, अब तैयार होते हैं घर के लिए। आज हमें घर जाना है और इतनी तेज बारिश लग रही है फिर भी घर जाना है, क्योंकि कुछ काम है घर पे और शाम को कहीं और जाने का सरप्राइज बनाया। आप ब्लॉग में से बने रहना, हम कहाँ जाएंगे साथ को, हमारे गांव से कुछ शुभ काम के लिए काम कार्य हो रहा है, और आप ऐसे ब्लॉग में रहना, दिखाऊंगा आपको। और अभी आप घर के लिए थोड़ा हरी मिर्ची तोड़ी है, उनने बोला कि थोड़ा हरी मिर्ची ले जा लो। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े हरी मिर्ची हो रखे हैं, देखो ये पूरा हरी मिर्ची का वो है। मैं कुछ और तोड़ता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, अभी चलते हैं। देखो मस्त करके ये मैंने थोड़ा बहुत और तोड़ दिया, थोड़ा और रह गए हैं वाली बात है। अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ का व्यू, मतलब यहाँ का व्यू इतना सुंदर है ना, मतलब कहीं बारिश हो रही है, कहीं बादल आए हैं, कहीं कुछ अलग अलग हर चीज़ हो रहा है। देखो मस्त करके, और मैंने दे रखा है दही, दही दे रखा है दही। नहीं दही है ना इसमें, इसमें ककड़ी और लौकी जो भी है मैं आपको घर दिखाऊंगा। और मस्त करके डाल रखे मिर्ची भी है, और अब मिर्ची आपने देखी थी, ये सुकून दिया जाता है बहन को, छोटी बहन को, ये छोटी बहन के लिए प्यार है। सामान था थोड़ा बहुत, कपड़े वपड़े हैं और जो जो हैं, और पानी का बोतल है, अभी इसमें पानी भरेंगे आगे से। और दही है, मिठाई लगाइए वो किया जा रहा है, मिठाई लगाने की तैयारी। देखो ये चंदन हो गया, ये सिंदूर हो गया ना, ये मस्त करके अपना व्यवस्था कर रही है। और मम्मी वहाँ पे बैठी है, देखो मस्त करके मम्मी मिठाई लगा रही है मस्त करके। और देखो मिठाई लगा दी मम्मी ने अभी, ये हमारे ड्राइवर साहब लगाएंगे आप मस्त करके। अभी विदाई हो रही भाई, फिर मम्मी आएगी 25 तारीख को वापस नहीं, फिर आए 25 तारीख को फिर आएगी मम्मी, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। अब ध्यान है क्या, हाँ ये देखो बच्चे बैठे हैं मस्त करके, वो देख उसको 20 दिए होंगे मम्मी ने, वो दिखा रहा है, और अपने आँखों दिखाना। ठीक है चलते हैं, बाय बाय बोल दो सब, बाय जय हला जय हाँ। अभी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलते हैं। देखो यहाँ से रास्ता कितना खतरनाक रखा है गाइस, और यहाँ देखो रास्ता कितना खतरनाक है, हमको मिनिमम यहाँ से जाने में 1 घंटा लगे। बारिश पूरा रुकने का नाम नहीं ले रही गाइस, पूरा बारिश आ रही है अभी तक, बूंदाबांदी चल रही है। और देखो गनीगांव कैसा मस्त दिख रहा है दूर से, देख सकते हैं क्या मस्त दिख रहा है। देखो पूरा वादियाँ, उस साइड से कोहरा आ रहा है मस्त करके, देखो इस साइड को देखो झलका हल्का दिखा ना, कोहरा है पूरा देखो। और ये मकान देखो मस्त करके सामने, और ये देखो क्या पूरा मस्त गांव है। अभी चलते हैं, मिलते हैं ऐसे थोड़ी देर बाद। आप इसको क्या बोलते हैं गाइस, कमेंट में बताना मुझे। ये हो रखा है मस्त करके, देखो क्या मस्त लग रहा है ना। देखो इसको चू बोलते हैं वैसे, इसकी सब्जी खाते हैं, देखो ये खाने वाला है, देखो खाने वाला अलग दिख जाता है। उसका नीचे से जो तना है वो बहुत कोमल होता है, देखो इतना कोमल है, देखो मस्त करके। अभी तो एक ही है, इसको कहाँ ले जाऊँ, इसलिए
और दे। नीचे साइड से कोहरा क्या मस्त आ रहा है, देखो यहाँ से सीधे ऐसे लग रहा है कि धुआं लगाया होगा किसी ने मस्त करके। और उस साइड को देखो, उस साइड को तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या बताऊँ, पूरा ऐसा लग रहा है कि कुछ ने कारतूस बम या कुछ फोड़ दिया होगा, ऐसा धुआं पूरा वाइट वाइट। और उसी के सामने देखो मस्त, देखो वो पहाड़ियाँ क्या सुंदर लग रही है गाइस, पूरा जंगल है, पूरा चीड़ का पेड़ जो दिख रहा है ना, वो पूरे चीड़ के पेड़ है। और ये देख सकते हैं सामने भी चीड़ का पेड़ है। और हमें आज जाना है घर को, और चलते हैं कुनाव को, अपने गांव को। और नीचे देखो क्या ढलान है, वहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं वहाँ पे देखो, और नीचे देखो वहाँ पे घास काट रहे हैं। गांव में कुछ भी हो अपना लाइफ स्टाइल, काम तो करना ही पड़ता है, अपने बच्चे पालने हैं तो अपना घर का वो जिम्मेदारी संभालना, हर काम होता है गाँव में। देखो उस शहर को देखो मस्त करके, अभी नीचे जाके दिखाता हूँ आपको और सुंदर सुंदर व्यू। सामने दिख रहा है ना, ये पूरा गनी गाँव है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, ये पूरा गनी गाँव गाँव है देखो मस्त करके। और वहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। और सामने देखो घर क्या मस्त लग रहा है, देखो सामने वाला, और उसी के सामने जस्ट ये मकान हो रहा है। और देख सकते कालू कालू डॉगे भी आ रहा है वहाँ से, देखो गाँव है, देखो गाड़ी आ गई मस्त करके, यहाँ से आगे हो जाएगी गाड़ी वहाँ तक बस। और देख सकते हैं क्या मस्त दिख रहा है ना गाँव। और अभी चलते हैं, अभी हम गाँव में पहुँच चुके हैं, अब आगे का सफर शुरू करते हैं। कैसा ब्लॉग में ऐसे बने रहना, और ये वाली बात है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, मस्त मस्त दिख रहा है उनके, देखो उस साइड को मस्त, पूरा गनी गाँव गाँव है, और इस साइड को पूरा पहाड़, और नीचे देखो क्या मस्त दिख रहा है। ये शॉर्टकट रास्ता है सीधे नीचे को जाने वाला, देख सकते हैं। ब्लॉग में ऐसे बने रहना, आपको और अच्छी अच्छी व्यूज दिखाएंगे। और ये सामने की हरियाली देखो, ये बांस का पेड़ है, मस्त लग रहा है। देखो उस साइड को पूरा कोहरे कोहरा, और इस साइड को देखो पूरा गांव दिख रहा है। ऊपर देखो लोग काम भी कर रहे हैं, देखो वो सामने देखो मस्त करके, जहाँ से हम आए ना वहाँ ही है देखो, देखो। और मम्मी यहाँ पर खड़ी है। हेलो गाइस, हेड है गाने में बैठा है क्या, हाँ जी तू हैं हैं, बादाम खाए। देखो यहाँ क्या मस्त दिखता है, ये नीचे गरुड़ के नीचे साइड ना बहुत सुंदर है, यहाँ पे मस्त मस्त बगीचा देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर मकान है सामने, और आप देखो पानी कितना मटवेला हो रखा है देखो मस्त करके। और वहाँ पे शिवालय है, जय माता रानी जय भगवान देव का, वहाँ पे सुंदर सा मंदिर है। और नीचे देखो कितना मटवेला पानी हो रखा है मस्त करके देखो, और बारिश बंद हो चुकी है। और गरुड़ का देखो ये पूरा आपका गरुड़ में आ जाता है, देखो ये एरिया पूरा गरुड़ में आ जाता है, और ये पूरा गरुड़ का पुल है। और जिस सर को दिख रहा है ये पूरा ही जो रास्ता जा रहा है कौशनिंग जाता है, और ये गरुड़ पूरी गरुड़ की मार्केट है, देखो जहाँ तक आपकी नज़र मकान दिख रहे हैं पूरा गरुड़ का मार्केट है। और इस सर को देखो क्या हरियाली हो रखी है, और पुल देखो क्या मस्त दिख रहा है ना, पुल में जाने में मज़ा आ रहा है, देखो ऐसा लग रहा है कहीं गाड़ी से जा रहे हैं मस्त करके। और देख सकते हैं यहाँ पे चक्की भी है।